स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। आइए शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की और आपको दिखाते हैं आपके शहर की हर खबर फटाफट अंदाज। बिहार के सभी अनुमंडल में अग्निशमन केंद्र की होगी स्थापना। यूनिवर्सिटी कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान के लिए 544 करोड़ की राशि रिलीज। स्वास्थ्य समिति की तर्ज पर होगा आयुष समिति का गठन। कैबिनेट की बैठक में 15 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकार और आरजेडी के बीच नहीं थम रहा वॉक युद्ध। तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर लगाया जनता के बजाय पार्टी की सेवा करने का आरोप। बीजेपी और जेडीयू ने किया पलटवार। पटना शौचालय घोटाले में एक और गिरफ्तारी। सर्वेश्वरी सेवा संस्थान के सचिव मनोज कुमार को कोर्ट परिसर से पुलिस ने किया अरेस्ट। जेडीयू में चुनाव चिन्ह को लेकर जारी दावेदारी पर आज चुनाव आयोग में सुनवाई हुई। आज नीतीश गुट की ओर से अपना पक्ष रखा गया। पार्टी नेता केसी त्यागी ने शरद यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बने तो एक साल तक उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। इसका मतलब है कि वो सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव आयोग में कल इस विवाद पर अंतिम सुनवाई हो सकती है। बिहार के वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के प्रमुख सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी के बाद मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार काम कर रही है। मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्राधिकार यानी एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी का गठन किया गया है। मोदी ने बताया कि गलत टैक्स लेने पर कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 3 महीने से जीएसटी की दरों में कटौती पर विचार चल रहा है। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के घर से पुलिस ने छापेमारी कर करीब 54 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद ईओयू ने आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को चिट्ठी लिखी है। पटना में भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी ने अविभागीय इंजीनियर्स और अधिकारियों के साथ विधायकों के लिए बन रहे आवासों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और जहां जहां कमियां देखने को मिली उसके लिए अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए। सिवान में आज लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिवान में कार्यकर्ता सम्मेलन कराने का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के साथ आगामी चुनाव में मजबूती से जनता के सामने खड़ा होना है। बालू की खुदरा बिक्री के लिए मिलने वाले लाइसेंस को लेकर होने वाली बैठक अचानक रद्द हो गई। औरंगाबाद में यह बैठक निविदा निष्पादन के लिए होनी थी लेकिन जिला पदाधिकारी ने आखिरी समय में बैठक को रद्द कर दिया। डीएम ने यह फैसला तब लिया जब लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बघा के नरईपुर और डुमवलिया गांव में बाल मजदूरी का खेल धड़ल्ले से जारी है। आरजेडी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के मोहल्ले में ही एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। पानी के पैकिंग कार्यों में और नगर के कई होटलों और गैराज की दुकानों में नाबालिग बच्चों से काम कराने का मामला सामने आया। भागलपुर के हवाई अड्डा में एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश पर दंगे के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल किया गया। जब कभी सांप्रदायिक तनाव या फिर दो गुटों में झड़प होती है तो उस वक्त पुलिस की मौजूदगी और हालात पर नियंत्रण पहली चुनौती होती है, इसलिए मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। भागलपुर के रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में डॉक्टर और मरीज के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि मरीज के इलाज में देरी होने को लेकर सवाल उठे तो डॉक्टर रूषा ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। डॉक्टर के इस रवैये से मरीज गुस्से में हंगामा करने लगे और बात मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को किसी तरह शांत कराया। बिहार की रेडियो जॉकी बरखा और अनिल कुमार तिवारी ने रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड जीतकर पूर्णिया सहित सूबे का नाम रोशन किया है। मुंबई में माधुरी दीक्षित ने विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। यूनिसेफ इंडिया ने आकाशवाणी और एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया एआरओआई के साथ मुंबई में रेडियो फॉर चाइल्ड पुरस्कारों के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। सारण जिला के इसुआपुर प्रखंड के डोईला में विश्व बैंक की ओर से 2 करोड़ की लागत से बनाई गई जल मीनार दिखावा बनकर रह गई है। जल मीनार को 2 महीने पहले चालू भी कर दिया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें पीने के लिए शुद्ध पेयजल मुहैया कराई जाएगी लेकिन लोगों की ये उम्मीद अब टूट चुकी है। कुछ दिनों तक पानी सप्लाई होने के बाद अब पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 24 लोग घायल। घायलों का मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में चल रहा इलाज। बघा पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। यूपी से ट्रेन में शराब लेकर आ रहे कारोबारी को विदेशी शराब की खेप के साथ जीआरपी ने गिरफ्तार किया। जीआरपी की गिरफ्त में आया शराब कारोबारी लौकरिया थाना क्षेत्र के पिपरा धरौली गांव का रहने वाला है जो कुल 36 बोतल विदेशी शराब के साथ उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब स्टेशन से कार्टन भरी शराब लेकर बेखौफ ट्रेन से उतरकर बाहर निकल रहा था।
शिवहर के शाहपुर गांव से दो नक्सली गिरफ्तार, तीन देसी कट्टा और एक राइफल बरामद, कई बड़ी वारदातों में थी तलाश। पूर्णिया के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के गोडियरपुरा पंचायत के सीएससी ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में संचालक बुरी तरह से घायल हो गए। आरोपी ने लोहे के खंती से मुंह पर हमला किया। इस हमले में संचालक का दांत सहित एक जबड़ा कट गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बक्सर की नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कट्टे और हथियार के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक हथियार की तस्करी करता है। पुलिस हथियार तस्कर का नेटवर्क खंगालने में जुटी। बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य बनने के बाद पहली बार समस्तीपुर पहुंची नीलम सहनी का बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर विधान पार्षद हरि नारायण चौधरी ने भी बुके देकर नीलम सहनी का स्वागत किया। नीलम सहनी ने राज्य आयोग की सदस्य बनने को लेकर जिलावासियों को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि 18 महीनों के बाद महिला आयोग का गठन किया है। सीतामढ़ी पुलिस ने शाहपुर गांव में छापेमारी कर दो नक्सलियों को हथियार समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नक्सलियों के पास से देसी कट्टा, एक राइफल और कई हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दानापुर के चौधराना में आज दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां छत पर खेल रहे डेढ़ वर्षीय बच्चे की मौत बाल्टी में डूबने से हो गई। बताया जा रहा है कि डेढ़ साल का मनीष छत पर अकेला खेल रहा था। इसी दौरान वो पास में पानी से भरे बाल्टी में गिर गया। परिजनों को काफी देर बाद पता चला, तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया। गोपालगंज में बीते दिन अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को बेहोश कर सारा सामान लूट लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट किए और जादवपुर थाना क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गए। मामला एनएच 28 पर सलोनी गांव का है। दोनों यूपी के इटावा में रहने वाले हैं। हालांकि मार्च में पुलिस ने माल से भरा ट्रक बरामद कर दिया। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के शिक्षा अधिकारी अभयनाथ मिश्र को निगरानी की टीम ने 7,000 रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शिकायतकर्ता मोहम्मद अबरार अहमद ने मध्याह्न भोजन और छात्रों की उपस्थिति को लेकर प्रखंड शिक्षा अधिकारी पर 60,000 रूपये मांगने की जानकारी निगरानी को दी। गया में निगरानी की टीम ने महिला थाने की पुलिस अपर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष को 9,000 रूपया घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महिला थानाध्यक्ष मीरा कुमारी पर आरोप है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता ने निगरानी को दी। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के महथा पंचायत की आंगनबाड़ी सेविका ने एसपीपीओ पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार ने अनशन शुरू कर दिया है। सेविका सविता कुमारी ने एसपीपीओ पर टीएचआर और पोशाक राशि के आवंटन के नाम पर हर महीने 2300 रूपये मांगने का आरोप लगाया है। साथ ही सेविका ने यह भी कहा है कि सीडीपीओ बिना पैसे लिए रजिस्टर पर पैसे की निकासी के लिए दस्तखत ही नहीं करते। नवादा जिला के सरदला में बहुआरा डैम में नहाने के दौरान 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पानी में डूबते हुए साथी को देखकर बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन जब तक मछुआरे वहां पहुंचते तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुंगेर में हथियार तस्करी के मामले में अनुसंधान में एक गिरोह का पता चला, जो मुंगेर और खगड़िया के जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर पर आर्म्स लाइसेंस, कई नामों से बने कानपुर से पिस्टल और राइफल खरीद कर मुंगेर लाता था। एटीएस की टीम उपेंद्र सिंह उर्फ वर्मा को मोबाइल सर्विलांस के आधार पर 3 दिनों तक भागलपुर से पीछा करते हुए मुंगेर में आजमालपुर एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया। राजधानी में महिलाओं से मोबाइल और पर्स छीनने वाला नकाबपोश लुटेरे को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मालसलामी थाना क्षेत्र के चुटकिया बाजार इलाके की रहने वाली छात्रा अंकिता पटना से नेट की कोचिंग क्लास कर देर शाम ऑटो पर सवार होकर अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान उसके साथ घटना घटी, तभी पुलिस ने चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। समस्तीपुर जिले के 46वें स्थापना दिवस को लेकर पटेल मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मंजू वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी ने जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर भी माल्यार्पण किया। मंत्री मंजू वर्मा ने पटेल मैदान में आयोजित प्रदर्शनी सह कृषि यांत्रीकरण मेले का भी उद्घाटन किया। बीएन मंडल विश्वविद्यालय ने पहली बार पर्यावरण बचाओ मुहिम शुरू की है। मधेपुरा में विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने यह नई पहल की है और सभी शिक्षकों ने 3-3 पौधे लगाए हैं। इन दिनों दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर शिक्षक संघ ने चिंता जताई। विश्वविद्यालय के छात्र नेता के साथ साथ प्रभारी कुल सचिव ने भी इस पहल की सराहना की। मगध प्रमंडल के आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने औरंगाबाद पहुंचकर जिला परिषद के कार्यपालकों की समीक्षा की। जिला परिषद सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में जिला परिषद के सभी सदस्य, डीएम कंवल तनुज के अलावा जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद आयुक्त ने बताया कि परिषद की आय कैसे बढ़ाई जा सके, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया है और संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं। अररिया प्रखंड का कमलदाह पंचायत खुले में शौचमुक्त ओडीएफ घोषित हो गया।
स्वच्छ भारत अभियान और लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत शौचालय बनाने का काम इस पंचायत में हुआ है। इस मौके पर अररिया के जिला पदाधिकारी ने कमलदाह की जनता और मुखिया को धन्यवाद दिया। रघुवर कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर। 2018 के सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी। गुमला, कोडरमा और पाकुड़ में सड़क निर्माण के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत। देवघर एयरपोर्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर को हरी झंडी। जनवरी 2018 से रघुवर सरकार पुलिसकर्मियों को देगी एक महीने का अतिरिक्त वेतन। एसीबी कर्मियों को 25% प्रोत्साहन राशि का ऐलान। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 89 पुलिसकर्मियों को किया सम्मान। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ट्रैफिक रूट में बदलाव किए। जमशेदपुर पुलिस ने कुख्यात बदमाश अखिलेश सिंह को लिया 3 दिनों के रिमांड पर। उपेंद्र सिंह हत्याकांड में बड़े खुलासे के आसार। चाईबासा अवैध निकासी मामले में पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती दोषी करार। राज्य में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 21 नवंबर को सजा करा। चारा घोटाले में रांची की सीबीआई कोर्ट में आज नहीं हो पाई लालू यादव की गवाही। कोर्ट ने दिया वक्त की कमी का हवाला। 23 नवंबर को हो सकता। कोडरमा में शिक्षा मंत्री नीरा यादव नगर पंचायत की लापरवाही को लेकर काफी नाराज हो गई। मामला नगर पंचायत क्षेत्र का है जहां पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान लाभुकों की कम मौजूदगी को देखकर शिक्षा मंत्री भड़क गई। उस पर कमीशनखोरी की शिकायत को लेकर तो उन्होंने आपा ही खोल दिया। भूमि अर्जन संशोधन विधेयक को रद्द करने की मांग को लेकर जेएमएम ने दिया राजभवन के सामने धरना। सरकार पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप। बीजेपी ने बताया सियासी ड्रामा। खगड़िया का बीपी मंडल पुल पिछले 7 साल से बंद पड़ा है जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। लोग नाव के सहारे और पैदल चलकर नदी को पार करते हैं। यूं तो पुल की मरम्मति कई महीनों से जारी है लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया है कि पुल मार्च 2018 तक दुरुस्त कर दिया जाएगा। लोहरदगा के कमले गांव के कोल जंपिंग यार्ड से पहली रैक लोडिंग का काम शुरू हो गया। कमले गांव के ग्रामीणों के विवाद और हंगामे के बीच स्थानीय ग्रामीणों के समझने के बाद काम शुरू हुआ। हिंडालको कंपनी के कोयला लोडिंग के साथ ही कमले कोल डंपिंग यार्ड से कोयला का कारोबार शुरू हो गया है। दरअसल कोल डंपिंग यार्ड से होने वाले प्रदूषण को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। सीएम रघुवर दास ने फ्लाइट ऑफ फैंटेसी के तहत बच्चों को बोर्डिंग पास देकर कोलकाता भेजा। ये टूर बच्चों में सपने और उम्मीदें जगाने को लेकर है। इस पहल से ये बच्चे भी समझ पाएंगे कि मेहनत और संघर्ष के पोते वो अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। सरायकेला खरसावा में कांड्रा के सालडीह बस्ती के कृष्णा देवगन ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। कृष्णा देवगन ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है क्योंकि उसके पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। कृष्णा देवगन को हृदय रोग हुआ है जिसके इलाज में लाखों रूपये खर्च हुए। गोड्डा में नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। मामला बलबड्डा थाना क्षेत्र का है जहां पुलिस ने रेप की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पाकुड़ में एक दंपत्ति को जमकर पीटने के बाद पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। दंपत्ति पर बदमाशों ने चाकू से वार किया जिसमें पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल है। घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के नरगी टोला गांव की है। तालाब में मछली पकड़ने को लेकर दो गुटों में जमकर विवाद हुआ। सरायकेला के चौकीदार तारा मांझी की हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए बीते दिन अदालत ने 6 आरोपियों की उम्र कैद की सजा और 5,000 रूपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। मृतक के परिजनों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए फैसले का स्वागत किया। वहीं बचाव पक्ष के वकील विश्वनाथ दत्त ने हाईकोर्ट में जाने की बात कही। गौरतलब है कि 2011 में आपसी विवाद के चलते चौकीदार तारा मांझी की हत्या कर दी गई। बीते दिन बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के गिरफ्तार 3 चोर झारखंड, बंगाल और बिहार से जुड़े हुए हैं। अब तक बोकारो में 8 ट्रकों को चोरी करके बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेच चुके हैं। इस गिरोह में कुल 6 सदस्य हैं जिनमें से 3 की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। गिरोह का मास्टरमाइंड बेगूसराय का रहने वाला है। सरायकेला के चौक थाना में शराबबंदी को लेकर राजस्व की अखिल झारखंड महिला संघ की उपाध्यक्ष आरिता पारत की अध्यक्षता में कई महिलाओं के साथ शराबबंदी को लेकर जुलूस निकाला गया। साथ ही गांव में शराब भट्टियों को तोड़ा गया। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। डीएसपी आशीष मैली और डीटीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान बॉक्साइड ट्रक चालक की जांच की गई। इस दौरान दर्जनों बॉक्साइड ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में पाए गए। राज्य स्थापना पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर के कई प्रखंडों में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का गृह प्रवेश कराया गया। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि सरकारी आंकड़े को पूरा करने की औपचारिकता हो रही है। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा प्रखंड में ऐसा ही देखने को मिला। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर बोकारो में चास नगर निगम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 6 लाभुकों को उनके घर की चाबी सौंपी। मेयर, उपमेयर और कार्यपालक पदाधिकारी ने लाभुकों को चाबी सौंपी। इस मौके पर मेयर ने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दी।
सरायकेला के आदित्यपुर में भी 52 लोगों का गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेश कार्यक्रम में सरायकेला नगर पालिका अध्यक्ष अरुणिमा सिंह को लोगों को घर की चाबी दी। खूंटी के उलीहातू से चलो गांव की ओर अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला गया। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के इस अभियान में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। पदयात्रा खूंटी होते हुए रांची के लिए रवाना हो गई। कल रांची में स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी सौंपी जाएगी। यात्रा अगले महीने 15 दिसंबर को संथाल परगना में खत्म होगी। इससे पहले बिरसा मुंडा के वंशजों ने उलीहातू की पवित्र मिट्टी बीजेपी नेताओं को सौंपी। बोकारो में सेल्फी के चक्कर में जान गंवाने वाली 16 साल की छात्रा सुलेखा का शव 24 घंटे के बाद कूलिंग पॉन्ड से निकाला गया। आपको बता दें कि सुलेखा अपनी सहेली के साथ कूलिंग पॉन्ड के पास मंदिर में पूजा करने गई थी। कूलिंग पॉन्ड की रेलिंग के पास दोनों ने खूब तस्वीरें खींची। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में सुलेखा का पांव फिसला और वो सीधे कूलिंग पॉन्ड में जा गई। रामगढ़ में भुरकुंडा इलाके में बीते दिन आग लग गई। यहां पुरानी सब्जी मार्केट के शेड में आग लग गई, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ी के पहुंच जाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया और आसपास की सैकड़ों दुकानें जलने से बच गई। दमकल ने तेजी से आग पर काबू पाया। रामगढ़ के दामोदर नदी में डूबने वाले गौतम का शव नदी से निकाल लिया गया है। गौतम का शव 2 दिन बाद पानी में तैरता नजर आया, जिसके बाद उसे नदी से निकाला गया। 3 दिन पहले दाह संस्कार में शामिल होने पहुंचा गौतम की नदी में नहाने के दौरान डूब गया था। बागमारा में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया गया। झिंझी पहाड़ी पंचायत कार्यालय के पास मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले पार्टी के केंद्रीय महासचिव हलधर महतो के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना। पाकुड़ के सोनाजोड़ी में गर्ल्स आईटीआई का भवन पिछले 8 सालों से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक यहां अध्ययन अध्यापन का काम शुरू नहीं हो पाया है। जबकि दूसरी ओर मोहनपुर और महेशपुर में नए आईटीआई भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गर्ल्स आईटीआई क्यों नहीं चालू किया जा रहा। हजारीबाग के केबी विमेंस कॉलेज में इग्नू का स्टडी सेंटर खोला गया। हजारीबाग में यह दूसरा स्टडी सेंटर है। इग्नू सेंटर का इग्नू के डायरेक्टर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इग्नू सेंटर में मास्टर डिग्री बीपी पीजी की कोर्सेज की पढ़ाई की जाएगी। हजारीबाग के सन कोलंबो कॉलेज में इग्नू का पहला स्टडी सेंटर खुल चुका है। चाईबासा में विधायक गीता कोड़ा ने सेल के मघाता बुरु खदान में महाप्रबंधक एसडी पहाड़ी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगी। दरअसल सेल के एमडी ने विधायक गीता कोड़ा से मिलने से इंकार कर दिया। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र स्थित कूलिंग पॉन्ड में छात्रा के डूबने के 24 घंटे बाद भी छात्रा का कुछ भी आता पता नहीं चल पाया। दरअसल सोमवार को सेल्फी लेने के दौरान छात्रा डूब गई। रांची से वापस आ रही ओडिशा झारखंड मैत्री बाइक रैली को सिमडेगा पुलिस ने सम्मान के साथ स्कॉर्ट किया। इस बाइक रैली का मकसद पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा और शांति का पैगाम जन जन तक पहुंचाना। पलामू में कृषि अनुसंधान महिलाओं को मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण केंद्र दे रहा है। हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू में किसानों को एक व्यवसाय के रूप में मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा है। महिलाओं में मशरूम की खेती को लेकर खासा उत्साह है। सरायकेला में सैकड़ों महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर जुलूस निकाला और गांव में शराब बना रहे शराब भट्टियों को तोड़ा। महिलाओं ने शराबबंदी के लिए सरकार से अपील। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खाते में एनवायरमेंट कंपेंसेशन चार्ज ईसीसी के नाम पर पिछले 2 साल में 787 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन सरकार ने इसमें से एक भी पैसा पर्यावरण पर खर्च नहीं किया। यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ। दिल्ली कैलीफोर में 2 दोस्तों को उन्हीं के एक दोस्त ने गोली मार दी और फरार हो गया। वारदात अकबरपुर माजरा की है। रविंद्र और कृष्णा मंगलवार की शाम एक दोस्त से मिलने निकले थे। दोनों को जांघ में गोलियां लगी। दिल्ली के मालवीय नगर में एक बदमाश ने कारोबारी कमलजीत सेठी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। वारदात अरविंदो कॉलेज के पास हुई है। कमलजीत को एक ऑटो वाले ने बचाने की कोशिश की। दिल्ली के मालवीय नगर में सीनियर सिटीजन महिला की हत्या कर दी गई है। 73 साल की चंद्रमुखी का शव फर्स्ट फ्लोर के उनके घर में मिला। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। हत्या के पीछे वजह लूट दिखाई गई। दिल्ली में रेप की शिकार हुई 1.5 साल की बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची सफदरगंज अस्पताल में भर्ती है। मामला हौज खास का है। रेप के आरोप में बच्ची के केयरटेकर को कल गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि आईटीओ पर स्काई वॉक 6 महीने में तैयार हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि निर्माण कार्य अपनी पूरी गति पर है। 44 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे स्काई वॉक के लिए बैरिकेडिंग की जा चुकी है। मुंबई में महिला और उसके बच्चे को कार समेत टो करने के मामले में डीसीपी ट्रैफिक आज अपनी रिपोर्ट ज्वाइंट कमिश्नर को देंगे। इस मामले में 2 तरह के वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में ट्रैफिक पुलिस कार को टो करती दिख रही है जब महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन दूसरे वीडियो में ट्रैफिक पुलिस के लोग महिला को गाड़ी से उतारने को कह रहे हैं जबकि महिला का पति उसे उतरने से रोक रहा है।
मुंबई के मुलुंड इलाके में नो पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी ले जाते देखकर एक व्यक्ति ने हंगामा कर दिया। सरपंच सिंह की स्कूटी नो पार्किंग की वजह से ट्रैफिक पुलिस के हवलदार मनोज पवार ने ई चालान करने के बाद टोइंग वैन पर चढ़ाई। मुंबई के पास पालघर जिले के कुड़लोद में रमेश राठड़ नाम के व्यक्ति से लुटेरों ने दो बंदूक दिखाकर 2,74,000 रूपये लूट लिए। पुलिस ने इस मामले में सुरेश राठ नाम के व्यक्ति के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे ठाणे से नासिक पुलिस ने एक पाखंडी बाबा को गिरफ्तार किया है। बाबा पर आरोप है कि उसने नासिक के एक परिवार को जादू टोने के नाम पर पूजा कराई और उसे लाखों रुपए ऐट लिए। परिवार के लोगों ने जब बाबा की बात मानना बंद कर दिया तो बाबा ने परिवार की ही एक नाबालिग बच्ची को अपने झांसे में लिया और पैसे चोरी करने के लिए उकसाया। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में जुबानी जंग फिर से तेज हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अफसर उन्हें फाइलें नहीं दिखाते। जवाब में एलजी अनिल बैजल ने इसका खंडन करते हुए सिसोदिया को चिट्ठी लिखी। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर का नाम बदलकर इंदौर रखने पर बहस शुरू हो गई है। इंदौर नगर निगम में भारी हंगामे के बीच नए नाम का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। एमआईसी सदस्य सुधीर देगड़े ने कहा कि इंदौर ही सही नाम था जिसे अंग्रेजों ने बदल दिया। एमपी के मुरैना में एक दलित महिला को पेड़ से बांधकर पीटे जाने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। घटना सबलगढ़ की है। महिला के मुताबिक मंदिर के छोटे पुजारी ने उसे लकड़ियां बीनने से रोका था। इस पर बहस हो गई तो उसने अपने साथी के साथ मिलकर पहले तो उसके कपड़े फाड़ दिए। इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम पर उनकी नाबालिग नौकरानी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने एजीएम एन एक्का को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 17 साल की इस लड़की एजीएम ने घर खाना बनाने का काम करती थी। भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एस एस सिंह को हटाने के लिए आंदोलन तेज हो गया। छात्रों ने भोपाल में कैंडल मार्च निकाला और नुक्कड़ नाटक भी किया। आज छात्र अपनी शिकायत लेकर एमपी के चीफ जस्टिस से मिले। लोग अनचाहे बच्चों को लावारिस न फेंके इसके लिए एमपी में मिशन पालना की शुरुआत की गई है। मिशन के तहत एमपी के सभी अस्पतालों और एनजीओ में पालने रखे जाएंगे। ये मिशन 14 जनवरी तक चलेगा। बैतूल में 17 पेड़ों को काटने के खिलाफ आंदोलन में अब बच्चे भी उतर आए हैं। नेहरू पार्क में इन बच्चों ने कटे हुए पेड़ों के पास खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। नगर पालिका ने नेहरू पार्क में रिनोवेशन के नाम पर 12 नवंबर ये पेड़ काट लिए थे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के अंदर एक संदिग्ध के घुसने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा में तैनात जवानों ने संदिग्ध को देखते ही गोली मार दी। इसके बाद घायल संदिग्ध अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप का आरोप इलाके के 2 लड़कों पर लगा है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर दी। यूपी के गोरखपुर में उधार के पैसे मांगने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है उधार के पैसे देने के लिए युवक के दोस्त ने उसे स्कूल बुलाया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक के पिता गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दिल्ली के नेशनल हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम से मुगल शॉल चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया और आज पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। उत्तरी कैलिफोर्निया के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत। घटना रूरल तेहामा काउंटी के स्कूल की। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर से 2 ऑटोमेटिक राइफल और एक हैंडगन बरामद। हमले की वजह साफ है। 2 दिन पहले सीरिया के अतारेब शहर पर हुई बमबारी का वीडियो जारी। वीडियो में हमले के बाद का मंजर साफ दिखा रहा है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी खत्म। अक्टूबर में रिटेल के बाद होलसेल महंगाई भी बढ़ी। फ्यूल सब्जियों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े। सलमान खान ने दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावती को दिया अपना सपोर्ट। सलमान ने कहा पहले फिल्म देखे फिर राय बनाए। फिल्म पद्मावती को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे दीपिका को एक इवेंट में अपनी ड्रेस की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। शाहिद कपूर ने फिल्म पद्मावती का प्रमोशन शुरू किया। हाल ही में एक रेडियो स्टेशन पर फिल्म को प्रमोट करते नजर आए शाहिद कपूर। बेटे तैमूर को बर्थडे से पहले पापा सैफ ने दी एक लग्जरी कार। कार की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। करीना कपूर खान की दीवानी आलिया भट्ट ने लिखा करीना को खत। खत में आलिया ने की करीना की तारीफ। फिल्म गोलमाल अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर फैंस को शुक्रिया दिया। मोटापे की वजह से विद्या बालन आई फैशन पुलिस की रडार पर। विद्या ने कहा कि उन्हें मोटापे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 साल बाद फिर एक साथ काम करेंगे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म चोचल धमाल के लिए दोनों को किया प्लान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।